जी नमस्कार। अभी हम आपको बात करेंगे आपसे सीटेट नोटिफिकेशन पे, क्या जुलाई में होगा आपका एग्ज़ाम या नहीं होगा। मैं इसी चीज़ पर आपसे बारीकी से बात करता हूँ। इसके बाद सीटेट से संबंधित कोई भी वीडियो आप नहीं देखिएगा। तो हम आपसे बात करते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा या नहीं होगा। तो उससे पहले हम आपको बारीकी से बता देते हैं, वीडियो के स्क्रिप मत करिएगा। बारीकी से हम आपको बताते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वह जुलाई में होगा। एकदम 100% आपका जुलाई में नोटिफिकेशन होगा। अब जुलाई का जो एग्ज़ाम होगा आपका, तो कैसे होगा हम बताते हैं आपको कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, पिछले एग्ज़ाम आपने देखा कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हुआ और आपका 7 फरवरी तक एग्ज़ाम क्या हो गया कि समाप्त हो गया। उसके बाद 14 फरवरी को आपका आंसर की जारी हुआ। फिर उसके बाद जो आंसर की जारी हुआ उसके बाद आपका 3 मार्च का रिजल्ट हो गया। मतलब CBSE इतना सटीकता से आपके साथ पेश आया और इतना जल्दी में काम किया कि आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दीबाजी में आपका काम हुआ है, क्योंकि आपका जुलाई एग्ज़ाम उसका मिशन है। तो आपका जुलाई एग्ज़ाम होगा ही होगा। दूसरा नंबर बात है, आपको नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो हम आपको बता देते हैं, नोटिफिकेशन मार्च ख़त्म हो रहा है, आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। और अप्रैल में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ तो हुआ, नहीं तो अगस्त में 100% आपका एग्ज़ाम होगा। यानी जो चीफ मिनिस्टर होता है वह आपको यह जो साल में 2 बार एग्ज़ाम होता था उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी CBSE। तो आपका जुलाई एग्ज़ाम होगा, तो आप तैयारी करिए, अपना बेस्ट तैयारी करिए। और इस बार अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपका अगला सिलेक्शन पक्का है 7वां चरण में। यही आपको एक मौका है। तो कैसी लगी हमारी खबर, अगर अच्छा लग गया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हर इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके बीच लेके आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।